विराट की जिद से परेशान होकर सही बताएगी चवन मेंशन के बाहर खड़ी महिला मोर्चा के बारे में। हाँ मैडम बोलिए, आप लोग तैयार हैं? हम लोग सब लोग यहाँ पर ही हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हमेशा से ही महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ती आई हूँ और मैं अपनी पूरी टीम के साथ चवन निवास के बाहर मौजूद हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मेरे पास 2 फीमेल कांस्टेबल और 1 मेल कांस्टेबल भी है और साथ में कमिश्नर सर का लेटर। मैं अपने साथ बच्चों और औरतों के हक के लिए लड़ने वाली समाज सेविका और पुलिस कांस्टेबल को साथ लेकर आई। मेरे रिक्वेस्ट करने पर अभी वो लोग घर के बाहर हैं। लेकिन अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, साई और विराट की लड़ाई की वजह से वीनू और सवी पर पड़ने वाला कोई भी असर का पूरा जिम्मेदार साई विराट को ठहराएगी। हमारे बच्चों पर जो भी असर पड़ेगा उसके जिम्मेदार तुम होगे विराट, मैं नहीं। सवी को ले जाना चाहती हो ना, ले जाओ। एक बात याद रखना, तुम खुद ही मेरी बच्ची को इस घर में वापस लाओगी। खुली आंखों से सपने देख रही हूं, मैं सभी को क्यों वापस लेकर आऊंगी? जब दुनिया का सच तुम्हारे सामने आएगा ना, जब दुनिया का थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी सपनों की दुनिया से बाहर लाएगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि दुनिया कितनी मक्कार, कितनी झूठी, कितनी मतलबी। विराट को अब भी होगा सई का सत्य से शादी करने डिसीजन पर डाउट। सच में किसी और से दूसरी शादी कर लोगी? रियली? हाँ, मैं सत्या से शादी करूंगी। ये जो तुम इतना उड़ रही हो ना, मैं सत्या से शादी करूंगी, सत्या से शादी करूंगी, जाओ कर लो कोशिश। विराट को होगा अपने प्यार पर इतना भरोसा कि वो दे देंगे सई को बड़ा चैलेंज। तुम्हें लौट कर मेरे पास ही आना पड़ेगा सई, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें और कोई प्यार नहीं कर पाएगा। सही कह रही थी मैं, तुम खुली आंखों से सपने देख रहे हो। ये हकीकत का थप्पड़ मुझे पड़े ना पड़े तुम्हें जरूर पड़ेगा और तब तुम्हारी ये गलतफहमी की दुनिया टूट के बिखर जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा।